अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीएसएस पीएमएस गाइड। व्यूअर्स, पीएमएस 2022 के हवाले से एक अहम अपडेट है आप सब के लिए। कोई अच्छी खबर नहीं है, एक बुरी खबर है तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो कि पीएमएस 2022 का वेट कर रहे हैं। उनके लिए एक नहीं बल्कि दो दो बुरी खबरें हैं पीएमएस 2022 के हवाले से। उसमें सबसे पहले जो पीएमएस 2022 है उसकी रिक्वजिशन एस एंड जी ए डी डिपार्टमेंट की तरफ से पीपीएससी को सेंड कर दी गई है। और पहले जो रिक्वजिशन प्रिपेयर हुई थी उसमें सीट्स अच्छी खासी थी, लेकिन अब सीट्स को कम कर दिया गया है और इसमें पीएमएस की टोटल 27 सीट्स हैं, जिसमें 25 सीट्स ओपन मेरिट पे हैं, एक डिसेबल्ड कोटा के लिए है और एक मिनॉरिटी कोटा के लिए। इसके अलावा 4 सीट्स एडी लोकल फंड एंड ऑडिट की हैं और 4 पोस्ट ही एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की हैं। तो ये टोटल 35 सीट्स हैं, जिसमें से पीएमएस की 27 सीट्स बनती हैं टोटल। तो ये एक बुरी खबर है आप सब के लिए, क्योंकि पहले सीट्स नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी, अब इनको कम कर दिया गया है जो रिक्वजिशन सेंड की गई है। और इसके साथ साथ एक दूसरी खबर जो है वो ये है कि जो लोग एज रिलैक्सेशन अवेल करना चाहते थे, 2 साल की एज रिलैक्सेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी एक बुरी खबर है कि जो रिक्वजिशन फॉरवर्ड की गई है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। इसलिए जो एज ब्रैकेट है 30 इयर्स तक वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा 2 साल की रिलैक्सेशन नहीं दी गई। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी जो ऑलरेडी रिलैक्सेशन है 35 इयर्स तक के लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।